ताली बजा रहे हो। जब ताली बजाने की बात आएगी तब तो आपके हाथ नीचे हो जाएंगे। तो जहां जय भीम बोला जाए वहां जय भीम का जवाब जय भीम के साथ दो। और अगर आपको कोई बात बाबा साहेब की अच्छी लगती है या कोई विचार अच्छा लगता है तो आप उस पर ताली बजा सकते हो। कोई हंसने की बात है तो उस पर हंस भी सकते हो, लेकिन जो काम जब होना है तभी करना चाहिए। तो पहले जय भीम का नारा देना, पहले मैं बोलती हूं और फिर आप हाथ उठा के बोलना जय भीम। धन्यवाद। आज ज्यादा नारे नहीं लगवाएंगे क्योंकि हमारा गला दुखा हुआ है, बहुत प्रोग्राम ले रहे हैं। बाबा साहेब आज जिन्हें लोग सूर्य के नाम से जान रहे हैं, तो थोड़ा पानी दे दो, पूरे संसार के अंदर, इस भारत के अंदर ही नहीं पूरे संसार के अंदर बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। आखिर सोचने वाली बात यह है कि जब लोग ये कहते हैं कि इस संसार को बनाने वाला ईश्वर है, ईश्वर ने या ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है और उनके बाद जो अवतार होते हैं वो केवल भारत तक ही सीमित होकर रह जाते हैं, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो इन बहुजनों के भगवान हैं, जो जूते चप्पलों में बैठकर पढ़ते हैं, जो बच्चा अभी गा के गया कि भीम ने बड़ा दुख पायो रे, जूते चप्पल में बैठकर पढ़ा, पाने के लिए स्कूल में तरसा, पहनने के लिए कपड़े के लिए तरसा, अरे बाबा साहेब के बदन पर लंगोटी धारण करके बाबा साहेब जाते थे, पूरे कपड़े भी बदन पर नहीं होते थे, लेकिन आज पूरा संसार विश्व ज्ञान दिवस के रूप में हमारे मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जन्मदिन मना रहा है और 33 करोड़ देवी देवताओं का कहीं नाम नहीं आ रहा है। आखिर क्यों? एक तरफ ये पूरा मनुवाद है और एक तरफ बाबा साहेब हैं, लेकिन पलड़ा किसका भारी है? बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अंबेडकर का। क्यों है? क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने अपने गुणों के कारण, अपने त्याग के कारण, अपने संघर्ष के कारण आज जो एक बहुजन समाज के लोग हैं, जो नाली की कीचड़ में कीड़ों की तरह से रेंगते थे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, अरे तुम्हारे बोलने खाने पर पाबंदियां थी, तुम्हारे कपड़ा पहनने पर पाबंदियां थी, लेकिन आज बाबा साहेब की वजह से यह हमारा बहुजन समाज एक चपरासी की पोस्ट से लेकर एक राष्ट्रपति की पोस्ट तक पहुंच गया है। यह बाबा साहेब के कारण पहुंचा है, नहीं पहुंचा? अगर इस बहुजन समाज के बीच ये नोट जेब के अंदर आ गए हैं तो उसमें बाबा साहेब ने अपना खून बहाया है या नहीं? बाबा साहेब ने अपने 4-4 बच्चे बलिदान कर दिए हमारे लिए, बाबा साहेब ने अपनी पत्नी को मार दिया हमारे लिए, बाबा साहेब कुछ जर्जर होकर मर गए हमारे लिए। अरे बाबा साहेब के पास इतनी डिग्रियां थी कि आज तक संसार में कोई भी इतनी डिग्रियां नहीं ले सका। बाबा साहेब 24 घंटे में से 22 घंटे काम किया करते थे और जो भारत का संविधान आज हमारी ताकत बना हुआ है उस संविधान को बाबा साहेब लगातार कई कई दिनों तक लिखते थे। लेकिन हे अफसोस मेरे बहुजन समाज के भाइयों और बहनों, अफसोस जिस बाबा साहेब ने अपना सब कुछ तुम्हारे लिए न्योछावर कर दिया, हमने उस बाबा साहेब की कदर ना जानी, हमने उनकी कीमत को ना पहचाना। बाबा साहेब ने कहा कि जाओ मेरे मूल निवासियों, तुम इस देश के शासक हो और तुम्हें मैंने जो इस सत्ता का अधिकार दिलाया है तुम्हें यह सत्ता फिर से कायम करनी होगी और अपने हर एक घर के अंदर हर एक राजा पैदा करना होगा। और बाबा साहेब ने कहा कि मैंने इस भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान किया है कि अब राजा किसी रानी की कोख से पैदा नहीं होगा। कहां से पैदा होगा? बैलेट पेपर से पैदा होगा। किसी रानी की कोख से कोई राजा पैदा नहीं होगा। यह ताकत हमें किसने दी? वोट का अधिकार हमें दिलाया तो किसने दिलाया? बाबा साहेब ने दिलाया। मनुवादियों ने पूरी ताकत लगा दी, हिंदू नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी। जब बाबा साहेब लंदन के अंदर हमारे लिए अधिकार मांग रहे थे तो हिंदू नेताओं ने ताकत लगाई कि इन बहुजनों को, यानी के शूद्र और अति शूद्रों को वोट का अधिकार ना दिया जाए। ये तिलक ने कहा कि ये पान तेल बीड़ी सिगरेट बेचने वाले राजनीति में जाकर क्या करेंगे, ये अपना काम देखें, इन्हें राजनीति से कुछ नहीं लेना देना चाहिए, जो इनका काम है वही करना चाहिए। और ये जो दलित लोग हैं जो सफाई करते हैं उन्हें सफाई करनी चाहिए, जो चमड़ा काटते हैं उन्हें
अधिकार। हिंदू नेताओं ने एक बात वहां पर रख दी कि वोट का अधिकार उसे मिलेगा जो कोई पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, जिसके पास जायदाद होगी, वही लोग वोट का अधिकारी होगा। लेकिन बाबा साहेब ने कहा कि नहीं, वोट का अधिकार उसे नहीं मिलेगा जो पढ़ा लिखा होगा, जो शिक्षित होगा, जिसके पास जायदाद होगी। ये सीधे सीधे तौर पर ये बात कहना चाह रहे थे, पढ़ा लिखा कौन, ब्राह्मण बनिया राजपूत, जायदाद किसके पास, इन्हीं तीन वर्णों के पास। इसलिए इन्होंने चौथे वर्ण को और जो हम अछूत लोग थे पूरी तरह से नकार दिया। इसलिए बाबा साहेब ने कहा कि नहीं, वोट का अधिकार उसे नहीं मिलेगा जो पढ़ा लिखा होगा या जिसके पास जायदाद होगी। वोट का अधिकार हर एक उस नागरिक को मिलेगा जिसकी उम्र 18 साल होगी। और यह बाबा साहेब की ताकत थी कि आज हम वोट के बलबूते इतराते हैं। लेकिन जिस वोट के अधिकार को दिलाने के लिए बाबा साहेब ने अपनी पूरी ताकत लगाई, क्या हम उसका इस्तेमाल ठीक से करते हैं? इसलिए तुम अपनी वोट को पहचानो, वोट की कीमत को पहचानो, साड़ी पवे में मत पिको। ये जो हम वर्तमान गवर्नमेंट है, जरा इस पर ध्यान कर लेना कि ये आपके कितनी शुभ चिंतक है। राजनीति पर हम ज्यादा बोलते नहीं है, इसलिए ज्यादा बात मैं करूंगी भी नहीं। लेकिन बाबा साहेब की मैं वो बात बताकर जरूर जाऊंगी। जब बाबा साहेब, मैंने कई प्रोग्रामों में ये बात बताई है कि जब बाबा साहेब भारत का संविधान लिखते थे या बाबा साहेब को संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहेब बहुत खुश हुए। जो 6 लोग और थे जो चुने गए थे, उन्होंने कहा कि हम भारत का संविधान नहीं लिख सकते, इसलिए वो किनारा कर गए। एक की मौत हो गई, कोई विदेश में बस गया, और किसी ने कहा कि मेरी पत्नी बीमार है, इसलिए किसी में भी इतनी ताकत ना थी कि कोई भारत का संविधान लिख पाता। मैं भारत के संविधान की बात आज इसलिए बता रही हूं, मैंने YouTube पर एक मनुवादी का भाषण सुना और वो मनुवादी अभी ये क्या बोल रहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो इतना मोटा संविधान बना दिया 11 महीने और 18 दिन में ये संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, लेकिन वो संविधान ठीक नहीं है। अगर ये संविधान ठीक होता तो सरकार को इतने इसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो मनुवादी ये भी बोल रहा था कि ये जो संविधान है ये अंग्रेजों के संविधान की नकल है। लेकिन वो मनुवादी भूल गया कि ये अंग्रेजों के संविधान की नकल नहीं है, ये जो बाबा साहेब ने संविधान लिखा है ये 2 महीने 11 महीने और 18 दिन में नहीं लिखा है, ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन में लिखा है। 2 साल को वो मनुवादी खा रहे हैं, 2 साल बाबा साहेब ने जो मेहनत की उसे खा रहे हैं, ऊपर से इस संविधान को नकार रहे हैं। जब बाबा साहेब ने ये भारतीय संविधान संसद में दिया, संविधान सभा को सौंपा, तो बाबा साहेब ने एक बात बोली थी कि ये भारत का संविधान अगर अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा, इसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे, तो ये भारत का संविधान अच्छा साबित होगा। लेकिन अगर ये भारत का संविधान गलत लोगों के हाथ में जाएगा तो ये भारत का संविधान सही साबित नहीं होगा। और ये बाबा साहेब की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। ये मनुवादी लोग समय समय पर इस संविधान के साथ छेड़खानी करते हैं, वो ब्राह्मण बनिया राजपूतों के अधिकारों के साथ छेड़खानी नहीं करते, वो छेड़खानी करते हैं तो दलित और शूद्रों के अधिकारों के साथ छेड़खानी करते हैं, यानी कि बहुजनों के साथ छेड़खानी करते हैं। अगर उनमें इतना दम था, ये मनुवादी इतने बुद्धिमान थे, तो क्यों इनमें ताकत नहीं थी कि ये भारत का संविधान लिख पाते? और आज भी लिख ले देखें, आज भी कोई मनुवादी भारत का संविधान लिख कर देखे, इन्हें पता चल जाएगा, इनकी औकात का पता चल जाएगा। अरे ये संविधान बनाएंगे तो ये कहेंगे कि ये जो दलित है ये तो बेचारे कीचड़ से ही पैदा हुए हैं, आज भी ये यही लिखेंगे, क्योंकि ब्रह्मा ने कहा है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है। इनका कोई कान से पैदा होता है, कोई मुख से पैदा होता है, कोई चांद से पैदा होता है, कोई फूल पर बैठी देवी नजर आती है, कानून क्या होता है इन्हें कोई पता नहीं। लेकिन बाबा साहेब ने इनके कानून की धज्जी उड़ाई, मनुस्मृति को आग लगाई और सभी लोगों के अधिकार जो भारत में रहने वाले हैं, चाहे वो ब्राह्मण बनिया राजपूत है और चाहे बहुजन समाज के लोग हैं, सभी को समानता का अधिकार दिया है। दिया है या नहीं दिया है?
लेकिन ये समानता का अधिकार देने के लिए, हमें इतने बड़े बड़े मंचों पर पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, बाबा साहेब जब भारत का संविधान लिखते थे तो कैसे लिखते थे? बाबा साहेब एक कमरे में बैठते और बाबा साहेब एक रस्सी लेते, रस्सी का एक छोर पंखे से बांधते सर्दियों में, तो दूसरा छोर बाबा साहेब रस्सी का अपने पैर में बांधते। कुर्सी पे बाबा साहेब ने कीले लगाई, लकड़ी की कुर्सी पर बाबा साहेब बैठकर भारत का संविधान लिखते थे, उस पर कीले लगाई, और कई कई दिनों तक बाबा साहेब इस भारत के संविधान को लिखते चले जाते थे। जब बाबा साहेब का एक हाथ थक जाता था तो बाबा साहेब दूसरे हाथ से इस भारत के संविधान को लिखते थे। लेकिन बाबा साहेब कई कई दिनों तक शुगर के पेशेंट होने के बाद भी जो इनके शरीर में इतनी पीड़ा रहती थी, आराम नहीं करते थे। उनके एक सेवक थे नानक चंद रत्तू जी, और चिंचोली के अंदर जो बाबा साहेब का संग्रहालय बनाया है वो नानक चंद रत्तू जी ने उसकी नींव रखवाई थी। नागपुर के अंदर वहां रत्तू जी की फोटो लगी है, और कहा जाता है कि रत्तू जी को जो पैसा मिला वो दिल्ली के लोगों ने दिया। रत्तू जी दिल्ली के लोगों से कलेक्शन करके ले गए और उस संग्रहालय की नींव नानक चंद रत्तू जी ने रखी। लेकिन वही नानक चंद रत्तू जी बाबा साहेब के लिए दिन रात रोते थे और बाबा साहेब के पैरों की बड़ी सेवा किया करते थे। एक दिन नानक चंद रत्तू जी ने बाबा साहेब से कहा कि बाबा साहेब आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने बीवी बच्चों से मिलाऊं, आपके लिए मैंने खाना रख दिया है, आपके लिए मैंने चाय रख दी है, आप चाय पी लो और बाद में खाना खा लेना साहब, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा अगर आपकी आज्ञा हो। बाबा साहेब ने कहा कि ठीक है रत्तू, तुम सुबह जल्दी आ जाना, मैं खाना भी खा लूंगा और मैं चाय भी पी लूंगा। रत्तू अपने घर जाता है, लेकिन जब सुबह रत्तू जल्दी आता है तो बाबा साहेब के लिए चाय लेकर आता है और बाबा साहेब को प्रणाम बोलता है। बाबा साहेब की नजर जब रत्तू पर पड़ती है तो रत्तू की आंखों में आंसू होते हैं। क्यों? बाबा साहेब कह रहे थे कि अरे रत्तू तुम घर नहीं गए, अरे रत्तू तुम घर नहीं गए। यह सुनकर बाबा साहेब की आंखों में, रत्तू की आंखों में आंसू आ गए बाबा साहेब की बातों को सुनकर। और रत्तू ने कहा कि किस मिट्टी से बने हैं बाबा साहेब आप? आपको अपनी सेहत का ध्यान नहीं है, आप अपनी भूख का भी ध्यान नहीं करते हो, दिन रात इस भारत के संविधान को लिखते हो, आखिर ऐसी कौन सी चिंता है साहब जो आपके शरीर से भी बढ़कर है, जो आपकी जान से भी बढ़कर है, ऐसी वो कौन सी चिंता है? बाबा साहेब रोए, बाबा साहेब की आंखों में आंसू आए, जर्जर बाबा साहेब का शरीर हो चला था। डंडा लेकर बाबा साहेब चलते थे, दूसरे के कांधे पर हाथ रखकर बाबा साहेब चलते थे। उन्होंने कहा कि रत्तू मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा साहेब जानते थे कि मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। और उन्होंने कहा कि रत्तू मेरे पास टाइम नहीं है, अगर ये भारत का संविधान अधूरा रह गया तो मेरे इन 7 करोड़ अछूतों के अधिकार, जो ये मेरे 7 करोड़ अछूत बच्चे हैं जिनके लिए मैंने 60 सालों तक संघर्ष किया है रत्तू, वो मेरे सारा संघर्ष बेकार चला जाएगा। मैंने जो लंदन में इनके लिए अधिकार दिलाए हैं वो अधिकार मिट्टी में मिल जाएंगे रत्तू, अगर ये भारत का संविधान अधूरा रह गया तो मेरे बच्चे फिर से धड़ाम से वहीं गिर जाएंगे रत्तू, जहां से मैंने उठा कर ले कर चला हूं। अगर ये भारत का संविधान अधूरा रह गया रत्तू, मेरे समाज की बहन बेटियों की इज्जत दिन रात लुटती रहेगी रत्तू, इनकी इज्जत को बचाने वाला कोई भी नहीं आएगा, मेरे समाज के बच्चों की गर्दने धड़ाधर मंदिर में काट कर चढ़ाई जाती रहेंगी रत्तू, लेकिन इन बच्चों को सुरक्षित करने वाला कोई नहीं आएगा, इसलिए मैं इस भारत के संविधान को दिन रात मेहनत करके लिख रहा हूं। रत्तू की आंखों में आंसू आए, और रत्तू की आंखों से जब आंसू बह रहे थे तो उन्होंने बाबा साहेब को सलाम किया, बाबा साहेब को प्रणाम किया और बाबा साहेब को कहा कि धन है भारतवर्ष बाबा साहेब जहां आप जन्मे, और धन है रत्तू बाबा साहेब जिसे आपकी सेवा करने का मौका मिला। ऐसे थे बाबा साहेब, और इस तरह से ये भारत का संविधान बाबा साहेब ने आपके लिए बनाया। लेकिन अब हमारा ये फर्ज बन जाता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें अपनी जान की बाजी लगाकर भी इस भारत के संविधान को सुरक्षित रखना है, इन मनुवादियों से इस भारत के संविधान की रक्षा करनी है। जब तक ये भारत का संविधान सुरक्षित है तो मेरे समाज की महिलाओं, हे बहुजन महिलाओं, तुम सुरक्षित हो, वरना वो दिन दूर नहीं है जो तुम्हारे शरीर से ये जो नीचे तक की साड़ी है ये फिर
घुटनों पे आएगी, और ये जो तुम आज ऊंचे पद पर पहुंच रही हो, अपने बच्चों को भेज रही हो, तुम्हारे लिए ये रोजगार के रास्ते बंद हो जाएंगे और तुम फिर से भिखारी बन जाओगे, तुम फिर मनुवाद के गुलाम होगे। इसलिए इस भारत के संविधान की रक्षा करो, बाबा साहेब की कीमत को जानो, उनकी कीमत को गिरने मत दो, उनकी शान को पहचानो कि अगर बाबा साहेब ना होते तो तुम कहां होते, ये भी बात सोच कर देख लेना। बाबा साहेब को हर समय हमें याद रखना चाहिए, बाबा साहेब के बिना हम कुछ नहीं हैं। अगर आज हम चैन की एक सांस भी लेते हैं तो वो बाबा साहेब की देन है। लेकिन मेरे समाज की महिलाओं में महिलाओं पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि भाई महिलाएं प्रोग्राम में आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि महिलाएं मनुवाद की शिकार हैं, अंधविश्वास की गुलाम हैं। पुरुषों की तो समझ में आ जाता है, लेकिन इन महिलाओं की समझ में नहीं आता है। ये महिलाएं ये कहती हैं, अरे भगवान ने तो बाबा साहेब को भी बनाया है, अगर भगवान ने बाबा साहेब को बनाया है तो क्या हम बाबा साहेब से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या हम बाबा साहेब से ज्यादा ज्ञानवान हैं? क्या हम बाबा साहेब से ज्यादा बुद्धिमान हैं? अगर बाबा साहेब इस बात को नकार रहे हैं कि इस सृष्टि के अंदर भगवान नाम की, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, तो नहीं है, यही फाइनल है या नहीं है? तो जब भगवान को या भगवान के अस्तित्व को, ईश्वर के अस्तित्व को बाबा साहेब ने नकार दिया, तो वही बात सत है, फिर ये महिलाएं कैसे अंधविश्वास के शिकार हो रही हैं? अरे सीधे सीधे बात करो कि इंसान से इंसान पैदा होता है, कोई ईश्वर किसी को पैदा नहीं करता है, और अगर कोई ऐसे होता है तो फिर आप मुझे एक शेर के बच्चे के, मतलब शेर के जो बच्चा होता है वो मानव का बच्चा होना चाहिए, शेर का नहीं, या एक गधे से, एक गधी से मानव का बच्चा पैदा करके दिखाओ, अगर इसी ईश्वर के अंदर शक्ति है तब तो तुम्हारे मुंह पर भी ताले पड़ जाते हैं। लेकिन जो बात अभी प्रिंस प्रभाकर जी बोल रहे थे कि हमें इस समाज के ऐसे युवा चाहिए जो अपने समाज को अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए, अपने समाज को ऊपर करने के लिए, अपने समाज का विकास करने के लिए हर समय अपनी जान देने के लिए भी तैयार चाहिए। बाबा साहेब का ही यही संदेश है कि अगर तुम्हें अपने समाज के उत्थान के लिए अपनी जान का बलिदान देना पड़े तो अब वो दे दो, क्योंकि बाबा साहेब ने एक लाइन बोली, जो लोग मरने से डरते हैं वो लोग कभी जिंदा नहीं रहते, और जो लोग मरने से नहीं डरते हैं वो लोग कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा अमर हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा साहेब की बात को मानो, बता देना, नहीं बता देना, पानी दे दो भाई, कोई बात नहीं भाई, बाबा साहब पत्नी यानी कि हमारी माता रमाबाई की एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। बाबा साहेब के संविधान की बात मैंने बताई, और बाबा साहेब की पत्नी यानी कि हमारी पूज्य माता रमाबाई जी, जिन्होंने अपने चार चार बच्चे हमारे लिए बलिदान कर दिए, उनका अगर त्याग और बलिदान ना होता तो शायद बाबा साहेब बाबा साहेब ना बन पाते। बाबा साहेब इतनी लड़ाई नहीं लड़ पाते जितनी वो लड़ाई लड़कर चले गए और हमें अधिकार दिलाकर चले गए। लेकिन वही माता रमाबाई कैसे दुख में रही, क्या क्या उनपे बीता, एक छोटी सी घटना मैं बताऊंगी। बाबा साहेब जब लंदन से अधिकार लेकर लौटे तो बाबा साहेब का जगह जगह बहुत सम्मान किया गया, जगह जगह प्रोग्राम होने लगे और बाबा साहेब को बुलाया जाने लगा, क्योंकि पूरे भारत के अंदर बाबा साहेब छा गए थे। बाबा साहेब को सम्मान में पगड़ी मिलती, कहीं कहीं कुछ मिलता, बाबा साहेब के घर में एक पगड़ी रखी थी और बाबा साहेब को किसी प्रोग्राम के लिए जाना था। उस प्रोग्राम में माता रमाबाई ने कहा कि साहब आज मुझे भी आपका सम्मान देखना है, लोग आपको बुलाते हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी आपका सम्मान देखना है। बाबा साहेब ने कहा कि नहीं रामू, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। बाबा साहेब चले गए और माता रमाबाई घर पर रह गई, लेकिन उनका बहुत मन था कि वो बाबा साहेब का सम्मान देखे। माता रमाबाई के पास साड़ी नहीं थी, इसलिए माता रमाबाई ने बाबा साहेब की वो पगड़ी खोली, उसे
हाथ से समेटा और उसकी सलवटे खोलने की कोशिश की। उस पगड़ी की माता रमाबाई ने साड़ी बनाई और उस साड़ी को पहनकर माता रमाबाई बाबा साहेब का सम्मान देखने के लिए पहुंची। बाबा साहेब जब भाषण दे रहे थे तो माता रमाबाई दूर छिपकर बैठी थी कि कहीं मेरे साहब को मैं दिख ना जाऊं और मेरे साहब नाराज हो जाएंगे कि मेरे मना करने के बाद भी तू आई। लेकिन बाबा साहेब की नजर माता रमाबाई पर पड़ गई थी और माता रमाबाई बाबा साहेब का भाषण सुनकर वापस हो चली थी। जो पगड़ी माता रमाबाई पहनकर आई थी, जो पहले नीचे तक आ गई थी, वो सिकुड़कर थोड़ी सी देर में फिर घुटनों तक आ गई थी क्योंकि उसमें सलवटे बहुत ज्यादा थी। और माता रमाबाई ने बाबा साहेब के आने से पहले उस पगड़ी को ऐसे ही बनाया और वहीं पर रख दी। लेकिन बाबा साहेब ये सब देख रहे थे। बाबा साहेब ने घर आकर माता रमाबाई से कहा कि रामू, मैं तेरा गुनहगार हूं, रामू मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। माता रमाबाई नहीं समझ पाई कि साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब आप मुझसे ये बातें ऐसी क्यों कह रहे हो, आप मेरे गुनहगार कैसे हो सकते हो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है साहब, मैं सम्मान समारोह में नहीं गई साहब, आपने मुझे मना कर दिया था जाने के लिए, मैं नहीं गई आपका भाषण सुनने के लिए। माता रमाबाई ने झूठ कह दिया कि मैं नहीं गई। बाबा साहेब ने कहा कि रामू, जब मैं बोल रहा था तो मैंने तुम्हें पीछे देखा था, रामो मुझे माफ कर देना, मैं 7 करोड़ अछूतों का मुक्तिदाता बन गए जा रहा हूं, मैं अपने को 7 करोड़ अछूतों का बाप पिता कहता हूं, लेकिन रामो मैं तुम्हारा गुनहगार इसलिए हूं कि मैं अपने रामू के लिए एक साड़ी का इंतजाम नहीं कर सकता। रामू तुम मुझे माफ कर देना, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है रामू कि मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी ला कर दे दूं। माता रमाबाई ने कहा कि साहब मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मुझे नई साड़ी नहीं चाहिए साहब, लेकिन मुझे आपसे एक वचन चाहिए कि ये जो हमारे 7 करोड़ अछूत बच्चे हैं, जिनके लिए आप संघर्ष कर रहे हो, जिनका बीड़ा आपने उठाया है, जिन्हें आपको अधिकार दिलाने हैं, साहब मुझे साड़ी नहीं, इन 7 करोड़ अछूतों को इस देश का शासक बनते हुए देखना है, आपसे मुझे ये वचन चाहिए। और माता रमाबाई के ऊपर बाबा साहेब गर्व करते हैं कि धन्य हूं रामू जो मुझे तुम्हारे जैसी जीवन संगनी मिली, जो समय समय पर, जो पथ पथ पर मेरा साथ देती है। बाबा साहेब जब लंदन के अंदर थे, 2 लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं कि अंग्रेजों से और हिंदुओं से बाबा साहेब ने क्या ललकार कर कहा कि मांगो मैं तुमसे कोई भीख नहीं। जब बाबा साहेब लंदन के अंदर गए तो वहां बाबा साहेब ने अंग्रेजों को भी लताड़ा और हिंदू नेताओं को भी लताड़ा और कहा कि मांगू मैं तुमसे कोई भीख नहीं, ना उधार मांगने आया हूं, तो फिर लंदन के अंदर क्या करने आया हूं, कुछ तो करने ही आए होंगे ना। मांगू मैं तुमसे कोई भीख नहीं, ना उधार मांगने आया हूं, इन दीनहीन मजलूमों का अधिकार मांगने आया हूं, अधिकार मांगने आया हूं, तो हमें बाबा साहेब की भांति शेर बनना है, हमें भेड़ बकरी नहीं बनना है। बाबा साहेब की बात हमेशा याद रखना कि हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। अरे डरपोक तो वे बनेंगे जिन्होंने हम पर राज किया, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, लेकिन अब समय दोबारा लौट कर आ रहा है। इस देश में हमें क्या बनाना है, भगवान बुद्ध का धर्म यानी के बौद्ध धर्म, सम्राट अशोक का अखंड भारत का निर्माण फिर से हम सबको यानी के इन बहुजनों को मिलकर बनाना है और शेर की भांति चलना है, शेर की भांति दिखना है और शेर की भांति बोलना है और शेर की भांति ही लड़कर इस भारतीय संविधान को बचाना है। महिलाएं क्या अंधविश्वास को छोड़ेंगी, महिलाएं हाथ ऊपर करें, महिलाएं कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो बाबा साहेब की बात को मानेंगी, हाथ ऊपर करें, महिलाएं पीछे तक, मानने के लिए तैयार हो तो बाबा साहेब की एक प्रतिज्ञा याद रख लेना कि मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा, अपने घरों से इन सबको बाहर करना और भगवान बुद्ध और बाबा साहेब को अपने घर के अंदर लेकर आना, क्योंकि आपने हाथ उठाकर कसम खाई है। तो इसलिए भाई जो इनके घर से पुरुष बैठे हैं, अगर ये काम ना करें तो जबरदस्ती तुम्हें ये काम करना है, मनुवाद की धज्जी तुम्हें उड़ानी है, यानी के मनुवादियों के देवताओं को बाहर करना है या नहीं।
मेरी बात से सहमत हो तो इसके लिए धन्यवाद। मुझे मंच के ऊपर इतना टाइम मिला, मैं इस आयोजक टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।